वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी। आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। तो फ्रेंड्स, अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि गले में काफ़ी दर्द है, बट प्लीज़ इग्नोर इट। उसको ठीक होने में 4-5 दिन तो लगेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं गर्मी के ऊपर, बेसिकली गर्मी में एक हमारे सबके प्रॉब्लम होती है रैशेज की। हमारे स्किन में रेड रेड दाने हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को खमोनिया होते हैं। मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप खमोनिया होने पर या फिर आपके स्किन में जब रेडनेस या रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स होती है गर्मियों में, उससे आप कैसे, अगर आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और उससे कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए आप जहाँ तक हो सके कॉटन कपड़े, कॉटन जो होता है, कॉटन की टी शर्ट्स, कॉटन के कुर्ते, या फिर जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, कॉटन के शर्ट्स वगैरह डाले। ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े ना पहने। और अगर आपको हो चुका है वो प्रॉब्लम, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस चीज़ की, तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना लूज कपड़े पहनिए, इस तरीके के कॉटन टी शर्ट्स पहनिए। इससे आपको जो रेडनेस या रैशेज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा जो ये, जैसे कि अगर हमने पूरा टाइट पहन लिया तो हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर में ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, जो स्वेटिंग होती है वो पूरी तरह से अंदर रह जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वो स्वेटिंग सूख जाती है ना अंदर, जैसे कि हमें जो पसीना आता है वो अगर अंदर ही अंदर सूख जाता है, उससे भी खुजली आना, इचिंग होना, रेडनेस होना, वो सब हो जाता है। उसके बाद में घमोनिया, रेडनेस या रैशेस टाइप की प्रॉब्लम्स हम सबको होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके लूज कपड़े पहने, एंड ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में कॉटन कपड़े ही पहने। एंड फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके आप अपने जो स्किन पे पाउडर, या फिर जहाँ तक हो सके स्वेट ना आने दे, मतलब पसीना नहीं आने दे, जितना हो सके आप उसका अपने बॉडी को सूखा रखने की, यानी कि टेलकम पाउडर यूज़ करें। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेलकम पाउडर पक्का यूज़ करिए गर्मियों में, क्योंकि टेलकम पाउडर बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में। हमें टेलकम पाउडर हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना स्वेटिंग से हम बचेंगे उतने ही हमें घमोनिया या रैशेस की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को रैश हो चुके हैं या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो फ्रेंड्स मेरे पास में, मैं आपको जो बताती हूँ वो रेमेडीज आप एक दिन में 3 से 4 बार ट्राई करिए, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा 2-3 दिन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आइस क्यूब। तो फ्रेंड्स, आइस क्यूब को आपको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करना है, किसी रुमाल में या फिर किसी कॉटन कपड़े में, टावल में, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला टावल होता है, रुमाल होता है, हैंकी होती है, उस टाइप की चीज़ में आपके आइस क्यूब को रख के उसमें लपेट के आपको जिस एरिया, जो भी आपकी एरिया इफेक्टेड है, वहाँ में आपको आइस को रब करना है। ऐसा आप 10 मिनट्स तक करिए दिन में 3 से 4 बार, आपको रिलीफ मिल जाएगा। 2-3 दिन में आप देखोगे कि आपको बहुत ही आराम मिला है, आपकी जो इचिंग है, जो हमें खुजली आती है, जो इचिंग होती है, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि रैशेज को हम लोग जितना इचिंग, जितना हम लोग उसको कुचड़ेंगे उतना ज़्यादा वो फैलता है। तो फ्रेंड्स, आइस क्यूब हमें मदद करता है कि उसको हम लोग रोक सकें। तो फ्रेंड्स, सेकेंड जो रेमेडी है वो है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो मैं ये कहूँगी आपको कि आप हर कोई को सजेस्ट करें कि अपने घर में एक एलोवेरा का प्लांट तो पक्का रखें। एलोवेरा इतना महंगा नहीं आता, 10-20 रुपए में उसके पौधे मिल जाते हैं। छोटी जगह में, जैसे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ में बहुत रेयरली मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक एलोवेरा का पौधा है, 1-2 एलोवेरा के पौधे हैं, लेकिन काफ़ी रेयरली मिलता है। लेकिन बड़े शहरों में आसानी से आपको एलोवेरा का प्लांट मिल जाएगा, तो आप अपने घर में एक एलोवेरा का प्लांट पक्का रखिए। अगर आपके पास में एलोवेरा का प्लांट है तो आपको क्या करना है, आपको वो एलोवेरा का जो दोनों तरफ का जो लीफ होता है, उस एरिया को, जो तीखे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, उस एरिया को निकाल लेना है, लीफ को बीच से कट कर लेना है, जो उसका जो जेल है उसको इफेक्टेड एरिया में, यानी कि अपने रैशेस पे अप्लाई करना है। इसको आपको दिन में 3 से 4 बार करते रहना है, इससे आप देखोगे कि आपकी जो रैश है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अगर बाय चांस आपके पास में एलोवेरा का लीफ नहीं है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप वो कर सको, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाओ का एलोवेरा जेल को इफेक्टेड एरिया में ट्राई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, एंड आप इसको करिए भी कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एलोवेरा का भी जो लीफ है उससे आप जेल को निकाल के फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, एंड आप उसको जब जब मर्जी तब उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पे, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, एंड उससे आपके जो रैशेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
एंड आपकी स्किन को वो काफ़ी कूल करेगा गर्मियों में, बहुत ही बेनिफिशियल होता है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड कुछ रेमेडीज, कुछ DIYs जो कि आप घर में करके इजीली अपने रैशेस को या फिर घमौड़िया जिसे हम कहते हैं प्रिकली हिट, जो गर्मियों के कारण स्वेटिंग के कारण से हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड डोंट फर्गेट टू कमेंट मी। मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होगी मैं मेरे जो और भी इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सबके लिए बनाना स्टार्ट कर दूंगी बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।